तुम्हारा क्या नाम है? अपनी बात राजेंद्र कर्मा। राजेंद्र कर्मा। अच्छा, तुमने कितनी टोटल शादियां करी हैं अभी तक? कितनी शादियां करी? मेरी दो ही है भैया। तुम आपके नहीं थी, तीसरी वाली कब हुई? कौन तीसरी वाली थी? अभी हुई है मेरी, 2014 में, 15 में। तो मतलब पहली वाली का क्या नाम है? मतलब पहली वाली से कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं। दूसरी वाली से इससे दो बेटियां हैं। और तीसरी वाली से? तीसरी वाली से कोई नहीं है। तो तीसरी वाली काहे लिए आरोप लगा रही है? आरोप इसीलिए लगा रही है, उसको चाहिए तो ये बकायद वहीं रखो, मुझको अपने मकान में ही रखो। मतलब कुल मिला के आपसे प्रॉपर्टी चाहती है? हाँ। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया? मतलब आपने जिसे तीन शादियाँ क्यों करी हैं? अब मुझे ऐसा था कि पता नहीं कैसे क्या हो गया, मेरे खुद ही दिमाग ये पतन कहाँ से मिल गई, कैसे मिल गई ये इसको, कोई आके पीछे साथ देने वाला था नहीं, इसके माँ बाप ने का साथ थोड़ी, इसके माँ बाप ने कभी। तो तीसरी वाली जो है ये, इसको ये मतलब इस समय इसने आरोप लगाया है? हाँ, आरोप लगाया है झूठा, दूसरे आदमी के साथ मिलके। पहली वाली को आपने क्या किया था? उसको अलग कर दिया हमने, वो तो अपना रजामंदी से उसको मकान कान दे के मेरा कोई वो सब। और दूसरी वाली साथ में रहती? दूसरी रह रही साथ में। और तीसरी वाली कहाँ रहती है? ऐसे ये सट्टा जी में रह रही, इसके बाद भी मकान है। अच्छा अच्छा, सरोजनी नगर में कहाँ तुम रहते हो? गौरी में, गौरी बाजार में, गाँव मेन।